हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी बियॉन्ड क्लासेस। दिस इज योर मेंटर रोहित सेंगर। आज हम देखने वाले हैं क्लास सिक्स का चैप्टर नंबर फोर्थ साइंस का, दैट इज सॉर्टिंग ऑफ मटेरियल्स। सॉर्टिंग ऑफ मटेरियल्स, अगर मैं सिंपल सी बोलूं तो सॉर्टिंग है क्या? सॉर्टिंग का मतलब है कि हम चीजों को यहाँ पे कैटेगराइज करेंगे, विल सेपरेटली डिवाइड द मटेरियल और क्लासीफाई द मटेरियल्स इंटू देयर कैटेगरी ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज। इनकी प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हम इनको क्लासिफाई करेंगे। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टीज है, दैट इज अपीयरेंस। अपीयरेंस, अपीयरेंस का मतलब होता है हाउ इट लुक्स, वो कैसा दिखता है, वो कैसा दिखता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूं कि सामने कोई चीज कैसी दिखती है, तो आप जज करते हैं उसको ऑन द बेसिस ऑफ देयर कलर, कलर के बेसिस पे जज करते हैं। और फिर एक होता हार्डनेस के बेसिस पे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इस स्टोन को देखूं तो देखिए ये हार्ड है, अगर आप इसको हिट करते हैं देन वी गेट हर्ट। हर्ट क्यों होता है? क्योंकि ये थोड़ा हार्ड है, ये टफ है, और जब कोई चीज टफ होती है तो हम उसको बोलते हैं वो हार्ड होती है। वहीं पे ऑन अदर हैंड वी हैव दिस सॉफ्ट क्लोथ, एक सॉफ्ट सा कपड़ा दिख रहा है आपको, ये बहुत सॉफ्ट है। अब इन दोनों में हम फर्क देखें तो ये हार्ड है, अब इसको मैं कितना भी करूंगा तो मैं इसको रिंकल नहीं कर सकता, मैं इसको रिंकल कर सकता हूं। फील हो रहा है ये सॉफ्ट है और ये फील हो रहा है ये हार्ड है। तो आपने अभी जो देखा, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ दैट टफनेस, हमने टफनेस में देखा चीजों को कि कौन सी चीज हार्ड होती है, कौन सी चीज हार्ड नहीं होती है। अब बात करते हैं हम सेकेंड और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे, सॉल्युबिलिटी की। सॉल्युबिलिटी, अब सॉल्युबिलिटी होती क्या है? सॉल्युबिलिटी का मतलब होता पानी में घुलना। अगर कोई चीज पानी में घुल गई तो हम बोलेंगे वो सॉल्युबल है, अगर कोई चीज पानी में नहीं घुली तो हम बोलेंगे वो इनसॉल्युबल है। जो चीज पानी में घुल जाती है उसको हम कहते हैं सॉल्युबल। फॉर एग्जाम्पल, दिस ग्लास इज कंटेनिंग अ सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट। देखिए इसमें पानी, इस पानी के अंदर मैंने नमक डाला है, क्या आपको दिख रहा है? क्योंकि पानी में नमक घुल चुका है, इसलिए हम कह सकते हैं नमक क्या है? सॉल्युबल है। मम्मा, जब आपने देखा होगा, मम्मा जब मिल्क में शुगर एड करती तो क्या आपको दिखता है शुगर? नहीं दिखता। इट मीन्स शुगर भी क्या है? सॉल्युबल है। तो जो चीज पानी में घुल जाती है उसको हम कहते हैं सॉल्युबल, जो चीज नहीं घुलती है हम उसको बोलते हैं इनसॉल्युबल। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इसी में सैंड ला के डालू, रेत, रेत घुलेगी क्या? नहीं घुलेगी। मैं इसमें बहुत सारे स्टोन के पार्टिकल्स डाल दूं, नहीं घुलेगी। मतलब वो चीज क्या है? वो इनसॉल्युबल है। अब मैं इसमें कोई दाल डाल दूं, मैं सब्जी डाल दूं, तो वो घुलने वाली नहीं है। तो सॉल्युबल क्या होते हैं? जो चीज पानी में घुलती है, विच कैन डिजोल्व इन टू द वॉटर इज कॉल्ड सॉल्युबल, एंड दोज मटेरियल्स विच कैन नॉट बी डिजोल्व इन वॉटर इज कॉल्ड इनसॉल्युबल। सो यू कैन कैटेगराइज द मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ देयर सॉल्युबिलिटी और इनसॉल्युबिलिटी टू। आप इसके बेसिस पे भी कैटेगराइज कर सकते हैं। नाउ बैक टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हाउ इट लुक्स। अपीयरेंस की बात कर रहे हैं, आपने भी एक बेसिस देखा अपीयरेंस का, सॉफ्टनेस और हार्डनेस पे। अब मैं बात करता हूं सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपके एग्जाम में पक्का आएगी, इस चीज को आप देख लीजिएगा। और एज यू ऑल नो कि आपको यहां पे नोट्स डिस्प्ले हो रहे हैं, आप उसको पैरेलल नोट डाउन भी करते जाइएगा। मैं कोशिश करूंगा कि आपको सारी चीजें सिस्टमैटिक समझ में आए, सिस्टमैटिक दिखे, आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो बात करते हैं हम यहां पे ऑब्जेक्ट्स के टाइप की। सबसे पहला जो ऑब्जेक्ट का टाइप बात करते हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंट। अब ट्रांसपेरेंट क्या है? द मटीरियल फ्रॉम विच थ्रू विच वी कैन सी द ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। ऐसी चीजें जिसके आर पर आप आसानी से देख सकते हैं उसको कहते हैं ट्रांसपेरेंट। फॉर एग्जाम्पल दिस, देखिए थोड़ी सी डटी है ये, बट फिर भी आप देख रहे हैं, आप मेरा फेस दिख रहा है इजिली, ये क्यों दिख रहा है ऐसा? ये ट्रांसपेरेंट है। अब देखिए ये बोर्ड जो लिखा है वो सब दिख रहा है इजिली। तो जो चीजें, जिस चीज के आज इस पार से उस पार देखा जा सकता है इजिली, उसको हम कहते हैं ट्रांसपेरेंट। और जिस चीज से आप इजिली नहीं देख सकते, इजिली नहीं देख सकते, उसको कहते हैं ओपेक। ओपेक मतलब क्या? क्या अब आपको दिख रहा है फेस? नहीं दिख रहा। इट मीन्स ये है ओपेक। और एक और कैटेगरी होती है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसलूजेंट। दैट इज कॉल्ड ट्रांसलूजेंट। आर पार क्लियरली नहीं दिखेगा, ये देखिए आप आर पार क्लियरली दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे। इसके आसपास देखिए तो वो जो कैटेगरी है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसलूजेंट। जब चीजें क्लियरली नहीं दिखती हैं तो हम उसको कहते हैं ट्रांसलूजेंट। इतनी बात समझ में आई? जो चीज क्लियरली दिखी ट्रांसपेरेंट, जो चीज बिल्कुल नहीं दिखी द मटेरियल थ्रू विच वी कैन नॉट सी एनीथिंग, दैट इज कॉल्ड ओपेक। सबसे बेस्ट एग्जांपल ओपेक का आपके सामने है।
और हमने देखा पॉलिथीन का एग्जांपल वो ट्रांसपेरेंट थी, वहीं पे हमने देखा ग्लास का एग्जांपल ये था ट्रांसल्यूसेंट। दिख तो रहा है लेकिन क्लियर नहीं दिख रहा। आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट वेरी वेल। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, दोस्तों तक पहुंचाइए, और फॉर मोर यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। आप आगे की वीडियोस को देखने के लिए और उसके नोटिफिकेशन लेने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। थैंक यू।